गाजीपुर से विकास शर्मा पत्रकार की रिपोर्ट। सावन के आखिरी सोमवार के दिन भक्तों की मंदिरों में लगी। गाजीपुर से जमानिया कोतवाली क्षेत्र के करीब रात्रि के 12 बजे से ही श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई। गंगा में डुबकी लगाकर जल लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्रद्धालु 4 बजे सुबह से जल गिरना शुरू कर दिए। आपको बता दूं कि जमानिया क्षेत्र के महेवा महेश्वर नाथ मंदिर पर श्रद्धालुओं की खूब जमकर जल चढ़ाने के लिए भीड़ लगी रही। सावन के आखिरी सोमवार को देखते हुए श्रद्धालुओं में काफी हर्ष और उल्लास देखा गया और अन्य जिले से आए हुए लोग भी जल चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त किए। लोगों ने कहा कि कोरोना का तीसरे लहर आने वाला है लेकिन कोई मस्क नहीं लगाया हुआ नजर नहीं आया। ऐसे में जल चढ़ाने वाले की भीड़ को देखते हुए प्रशासन चुस्त दुरुस्त नजर आए। हजारों श्रद्धालुओं की लगी भीड़ को देखते हुए महिला कांस्टेबल सहित पुलिस कांस्टेबल भी क्षेत्र के अनेक मंदिरों पर लगाए गए थे। बाइक श्रद्धालु, महिला श्रद्धालु, पुरुष मंदिर के पुजारी महाराज जी। मंजू जी, आज आई थी आज महेश्वर धाम में, कैसा लग रहा है और क्या हुआ आज यहाँ पर, क्या करने आई थी? अच्छा से दर्शन कर लीजिए, चढ़ा लिया चौथा सवार है। अच्छा, बढ़िया लगा यहाँ पर? हाँ बढ़िया लगा, हम लोग हमेशा आती हैं यहाँ पे हमेशा। कैसे आती हैं? हर साल आती है, ऑटो करके आती है, पैर से आती है, पैर से मोटरसाइकिल से आती है, जैसे मिलता है साधन आता है। अच्छा, यहाँ पे ये बताइए कि जो सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर क्या कहा जा सकता है, मतलब कि पुलिस उलिस लागल बा कि ना? ठीक ठाक बा, कुल भीड़ रहल? आज लास्ट सोमवार, काहे खातिर आप व्रत कैले हैं और काहे खातिर जल चढ़ैनी आप? काहे खातिर का अपना रक्षा खातिर व्रत करता आदमी की परिवार हमार सुरक्षा रही अच्छा रही। मेरा नाम रमेश है और मैं बाबा का दर्शन करने आया हूँ और यहाँ पे भक्तों का काफ़ी भीड़ है, प्रशासन भी अच्छा अच्छा लगा हुआ है, व्यवस्थाएँ अच्छी हैं। आज आप सावन का लास्ट सोमवार है, इसको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी भीड़ भी है, कोरोना प्रोटोकॉल के मद्देनज़र कोई मास्क नहीं लगाया है? सर, लोगों में उतना अवेयरनेस नहीं है, लोगों को थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा बस, और क्या। लोगों चौथा सोमवार है जो कि लास्ट सोमवार है, इसको इसके उपलक्ष्य में क्या बताएंगे आज महाराज जी? सावन महीना, परम सावन महीना भगवान भोलेनाथ का पर्व है, सोमवार व्रत करके भक्तों की नाना प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हुआ करती हैं। यह तो अपने आप में बाबा श्री महेश्वरनाथ के क्षेत्र के काशी विश्वनाथ वाराणसी जैसे पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, आस्था का केंद्र है, सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और ये आस्था से भी भीड़ दिखाई दे रही है। बहुत आग्रह करने के बाद भी लोग दूरी का पालन नहीं कर पाते हैं, होने के बाद दुखद है। हमारे देश में महामारी बीमारी है लेकिन अब दंडात्मक कार्रवाई करना उचित नहीं होता है, क्योंकि बाबा का पर्व है, भोलेनाथ के आशीर्वाद से यहाँ इतनी बीमारी के बाद भी यहाँ के लोग अगर सुखी हैं, लोग अनुभव करते हैं। इस क्षेत्र में बाबा श्री महेश्वरनाथ जी की अनुकंपा है जिसके कारण ये लोग सुखी हैं, बीमारी से बचे हुए हैं। मैं भी प्रार्थना करता हूँ बाबा भोलेनाथ से, जो भी श्रद्धालु आए हुए हैं। महाराज जी, मास्क को लेकर जो कि देखा जाए कोरोना काल का तीसरा लहर आने वाला है, अक्टूबर नवंबर में आई MPCR की रिपोर्ट बता रहा है, वैसे भी मास्क का जो है अभी तक मास्क कोई भी श्रद्धालु नहीं लगा है, इसको लेकर क्या कहेंगे अभी? मैं तो चाहूँगा कि